रेशम सहर ब्रह्मपुर, किए कहे एहाकु नृत्य नगरी, तो आउ किए कहे कलार सहर। ओडिया परंपरार प्रकृष्ट निदर्शन एही सहरटी दक्षिण ओडिशार व्यवसायर पिंठस्थली, आउ एठाकार खाद्यर रहिछि भिन्न एक परिचय। सकाळर टिफिन हो बा संध्यार क्रिस्पी चिकेन पकोड़ा, एठारे मिलुथिबा भळकि भळि स्ट्रीट फुड्र स्वाद टिके अलगा। पूरी उपमा हो बा दोसा, भळकि भळि आचार हो बा पांपड़, बड़ी मसला इत्यादि चाहिदा एबे ब्रह्मपुर को पहुंचाई विश्वस्तर। आम देखीछु विभिन्न दोसा तो मिली, रावा दोसा गोटे बढ़िया दोसा जोटा कि ब्रह्मपुर इडली सांबर सहित बहु आगर ये नुआरे किसी वर्ष होगा। पूरी उपमा ब्रह्मपुर फेमस, आपण पूरी उपमार जो चना तरकारी हुए बा घुगनी तरकारी हुए आलू तरकारी हुए सेटा को बहुत मजा लगे, अर्थात गोटे होलसम खाद्य आप जब कह ब्रह्मपुर इडली सांबर ता सहित चटनी एवं आपणकर पकोड़ा जलखिया जमी कहली पूरी उपमा दोसा। या सहित आउ गोटे सुंदर जलखिया ब्रह्मपुर मिले साधारण सीधा इवनिंग सन्धार खाते से साकु साकु गरम राग पोड़पिठा कहल अत्युक्ति हम ना कि पोड़पिठार ये अलग स्मूथ थाए कल थाए सहित पालु साकु क्षीर साकु मीठा साकु थाए ये साधारणतः सन्धार बड़बजार अंचल बड़ बजार आरंभ करके आपणकर विजया टकिस पर्यंत एटा बहुत सुंदर भाव समस्त खाई। ब्रह्मपुरी आचार जी थरे खाई तार स्वाद भूली पारेनी। केवल ब्रह्मपुर नुहे चिकिटी गोपालपुर ब्रह्मपुर आचार पांपड़ आचार मध्य विविध आचार विभिन्न प्रकार आचार केवल आंब आचार लेंबू आचार सीमित नुहे आपण से विभिन्न प्रकार सामग्री मुझे लंबा हम सबुजाक आचार ये मिले से दुई प्रकार विभक्त कर गोटे हूँ राग आचार आ गोटे हूँ मीठा आचार। राग आचार मध्य अति कम राग आचार बेसी राग आचार लुणी आचार एवं सेमिति आपणकर मीठा आचार मध्य गुड़ दिया आचार बा जो आचार को ओडंगा बोली कह जाए बहुत दिन धरिकी सेटा रही था से आचार आउ सबुठ वर्तमान ए किछि वर्ष ला आरंभ होई छि नॉन वेज आचार ताहा मध्य ब्रह्मपुर प्रस्तुत हो। तबे जेबी एठा को आसंती सांगरे आचार टिके नेबा को भूलंती नै, खट्टा मीठा आंब आचार लेंबू आचार गाजर आचार नवरत्न मिक्स वेज रसुण आचार लंका आचार पणस आचार और ननवेज आचार भी आचार स्वाद थे पटी में लगे छाड़े नी। आचार भी ब्रह्मपुरी पांपड़ मध्य रही बेस चाहिदा जमीक लिया पांपड़ राशि पांपड़ बिरी चाउल रसुण पुदीना और सागु भली नाना प्रकार पांपड़ एठारे रही संभार। आचार पांपड़ भली सिल्क सिटी ब्रह्मपुर बड़ी मध्य रही बेस लोकप्रियता, खरा दिने पखाला सांग को बड़ी चूरा टिके होइगले खाइबार मजा हो जाए दुई गुणा। बिरी बड़ी फूल बड़ी पानी कखारू बड़ी तो समस्ते तैयारी करती किंतु एठार मिलुवा यह सब बड़ी स्वाद सतरे कौन से तुलना ना। केबे चाखिचंते कि एठारे थिबा गिरिजा रेस्टोरेंट रे मिलुवा सुआदिया क्रिस्पी चिकेन पकोड़ा, जदि ना तेबे ब्रह्मपुर आसुथिले थरे ट्राई करंतु ए गिरिजा रेस्टोरेंट रो चिकेन पकोड़ा। चटपटा खाद्य रे हमर देखंतु गोटे अछि गिरिजा रो चिकेन पकोड़ा। गिरिजा रो चिकेन पकोड़ा सारा पृथ्वी रे जो माने अछंती ब्रह्मपुर को थरे आछंती एवं वर्तमान अछंती से माने जेबे आसंती ब्रह्मपुर को निश्चय गिरिजा चिकेन पकोड़ा खांती जदि निरामिष हेथिले। सह एठारे मिलुथिबा कैरमेल पुडिंग और अन्यन्य माउथ वाटरिंग फूड रो टेस्ट जबरदस्त।
ସହରରେ ବହୁତ କିଛି ବଦଳିଥିଲେ ବି ବଦଳିନି 65 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ପିଢ଼ା ହୋଟେଲ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ଓ ଆତିଥେୟତା। ଏଠାରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପିଢ଼ାରେ ବସି ଖାଇବା ତରିକା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କରିଥାଏ ବେଶ ଆକର୍ଷିତ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଖଲିପତ୍ରରେ ଭାତ ଡାଲି ଚାରୁପାଣି ସହ ନାନା ପ୍ରକାରର ଭେଜ୍ ଓ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଦ୍ୟ ପରଷା ଯାଉଥିବା ପିଢ଼ା ହୋଟେଲର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ହେଉଛି ଭାତ ସହ ଖାସି ମାଂସ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ତ କହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 50 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ଫେମସ୍, ସେଟା ହେଉଛି ପିଢ଼ା ହୋଟେଲ। ଗଞ୍ଜାମର କି ପିଢ଼ା ହୋଟେଲର ମାଂସ ତରକାରୀ ଏବଂ ଭାତ ବହୁତ ଫେମସ୍, ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଅଫିସ ପାଖରେ ଅଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଚାରୁପାଣି, ଏହା ଖାଦ୍ୟ ହଜମରେ ବେଶ ସହାୟକ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ହେଉ ବା ରାତ୍ର ଭୋଜନ, ଏହି ଖଟା ଲୁଣି ଓ ରାଗ ଦିଆ ଚାରୁପାଣିର ସ୍ୱାଦ ଟିକେ ନିଆରା। କେବଳ ଆଚାର ପାମ୍ପଡ଼ ବଡ଼ି ନୁହେଁ, ବରହମପୁର ଆସୁଥିବା ଲୋକେ ମିକ୍ସଚର ଦାନ୍ତକିଲି ସେଉ ଗୁଡ଼ୁଲୁ ସତପୁରୀ ଖଜା କଙ୍କଡ଼ା ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ବିଭିନ୍ନ ଆଇଟମ୍ ଖାଇବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ଦାନ୍ତିକିଲି ଅଛି, ସୁପୁଲ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ୁଲୁ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିବେଷଣ ପଦ୍ଧତି ବି ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ। କେବଳ ପ୍ୟାକେଟ୍ ହେଇକି ଯେ ଟାଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଦିନ ଧରେ ଖାଇପାରୁ ଆମେ, ସେଇଟା ମିଳିଥା ନୁହେଁ। ତା ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସେଗୁଡ଼ୁଲୁ ଏବଂ ସୁପୁଲୁ ତିଆରି ହେଇକି ଛଣା ହେଇକି ସିଧାସଳଖ ବିକ୍ରି ହେଇଥାଏ। ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ କେବଳ ପୂରା କରୁନି ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା, ବରଂ ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଉଛି କର୍ମସଂସ୍ଥାନ। ଏହି କାମରେ ଅନେକ SHG ଗ୍ରୁପ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆସନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରନ୍ତୁ ବରହମପୁରର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ।